नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिपोर्ट आपको बताती हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने दलित समुदाय में पैठ मजबूत करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी अपने स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान उसका विशेष जोर प्रदेश की करीब 22% आबादी वाले दलित समुदाय को साथ लाने पर होगा। राज्य में इसी महीने नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होनी है और भाजपा की कोशिशें इस बहाने दलित समुदाय में अपनी पैठ का आकलन करने की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी इस बार दलितों पर पहले से कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस रहेगा। यही वजह है कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के महू डॉक्टर अंबेडकर के नगर में एक मंच पर नजर आएंगे। तो यूपी में दलित वोटर्स पर पॉलिटिकल दंगल जो है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो दलितों को साधने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। वही 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल के रूप में यूपी में देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी की जो जनता का मूड है वो बखूबी बयां करते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर गांव से लेकर शहर तक कौन सी पार्टी लोगों के बीच मौजूद है, कौन सी पार्टी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि अब निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के दिग्गज नेता जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं जगह जगह पर जाकर तमाम तरीके के सम्मेलनों का भी आयोजन तमाम पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। फिर चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या चाहे वो बसपा ही क्यों ना हो। तो वही अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, और वही तरुणिमा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल भुवन भास्कर जी से है। भुवन जी, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर यह भी कहा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या आपकी पार्टी के लिए सिर्फ दलित ही जरूरी है? जी भुवन जी, भुवन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? भुवन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चलिए अब सीधा तरुणिमा जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी से वो हमारे साथ जुड़ी है। तरुणिमा जी, इससे पहले जब आप नगर निकाय के चुनाव में आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार क्या लगता है कि कंपटीशन पहले से ज्यादा टफ है या फिर आप पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगी? इसमें नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति से चुनाव करने की, जीतने की और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है जी। तो आम आदमी पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जन समर्थन ज्यादा हुआ है, लोग हमारे से ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद हमने पंजाब जीत लिया जी। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने हम पे भरोसा जताया, उसके बाद पंजाब की जनता ने हम पर भरोसा जताया जी। इसको देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की जनता भी आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही है, जो हमारी जनता की जो जन सुविधाओं को लेकर जो हम लोग काम करते हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करते हैं, उनके लिए रणनीति तैयार करते हैं, मध्य वर्गीय परिवार, निचले तबके की जो परिवार है उनके लिए जो हम लोग योजनाएं लाते हैं, उससे प्रभावित होके जनता जो है आम आदमी पार्टी के साथ इस बार खड़ी होगी। और जिस प्रकार उत्तर दिल्ली में हमने MCD चुनाव जीता है, जो नगर निकाय जो दिल्ली का चुनाव है उसको हमने जो पूर्ण बहुमत से जीता है, उसका भी हमें असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में जब हम लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारे वार्ड जो है, महानगर है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, इनमें हम लोगों के पास जब हमारे जो कार्यकर्ता है जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और उन्होंने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं,
और जिस प्रकार वो जनता की सुविधाओं को लेकर रणनीति तैयार करती है, हम जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे। अच्छा, लेकिन तो हमारा जी अगर एक बार यूपी की राजनीति पर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक नजर डालें, तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि जो तमाम पार्टियां हैं वो दलित जो उनका वोट बैंक है उस पर उनका ज्यादा फोकस है। तो क्या आप भी किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर के आगे बढ़ेंगे, या फिर आप जो सभी तबका है, जो हर एक वर्ग है, उसको लेकर के आपकी पार्टी साथ चलेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी सभी को साथ लेके चलती है। और देखिए, दलित, अगर आप दलित तबका की बात कर रहे हैं, तो भाजपा उनको जो है अपनी तरफ करने के लिए प्रोग्राम्स कराने वाली है, जनसभा, अभी आपने बताया जनसभा करने वाली है, बड़े बड़े सम्मेलन करने वाली है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में जब किसी दलित को घोड़ी चढ़ना होता है तो उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। वही दलित महिलाओं के साथ जब रेप होता है तो पुलिस उनको उनको रातों रात जला देती है, जिससे कि जो दूसरी जो जाति है वो उसके लड़के जो अपराधी है वो ना फंसे। तो जो योगी सरकार का रवैया रहा है उत्तर प्रदेश में, वो दलितों के लिए बहुत ही निचला रहा है। वो दलितों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली पार्टी है। और दूसरी बात, भाजपा ने दलितों के लिए आज तक किया क्या है? वो काफी टाइम से सरकार में रही है, सत्ता में रही है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया नहीं। लेकिन आज उन्हें दलितों की याद आ रही है, तो ये बहुत ही सिर्फ रणनीति है, अपना जो है रणनीति वो बदलने का काम कर रहे हैं। दलितों को बेवकूफ बनाने के लिए वो सिर्फ सभा कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबके लिए काम किया है, दलितों के लिए भी काम किया है, स्वर्णों के लिए भी काम किया है, सभी जाति धर्मों के लिए काम किया है। क्योंकि बिजली फ्री अगर मिलती है, सभी को मिलती है, और जो जो बिजली जो फ्री है, या शिक्षा फ्री है, जो स्वास्थ्य फ्री है, वो मुझे लगता है जो इस हिंदुस्तान का जो निचला तबका है उसको ये सुविधा जो है प्रोवाइड होनी चाहिए, और वो प्रोवाइड हम दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। तो हम आम आदमी पार्टी जो है वो जो है सबसे ज्यादा दलितों का साथ है और उनका साथ दे रही है, और सभी का, हम लोग सभी को साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा भुवन जी से है। भुवन जी, आपकी पार्टी के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और वहीं ये भी कहा जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और साफ तौर पर हम इन दोनों बयानों में देख सकते हैं कि आपकी पार्टी दलितों के साथ खड़ी है, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप आगामी चुनाव में सिर्फ दलितों के ही साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले तो पूरे देश और प्रदेश को ये पता है जी, जो नारे का आप बता रहे हैं, ये नारा किस पार्टी ने दिया था और कब दिया था? हमने लेकिन तो अभी केवल तो आपकी पार्टी द्वारा ये बयान सामने आया है, हम अभी की बात करेंगे, तो निकाय चुनाव अभी है सर। मैं आपका विषय समझ गया, आप थोड़ा सा मेरे को आंसर देने का समय दीजिए जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नारा किसने दिया था, किस पार्टी ने दिया था और कब दिया था, पूरा देश और प्रदेश जानता है। बिल्कुल। लेकिन अभी ये नारे को हमारी रैली में याद दिलाने के संदर्भ में या संदर्भ बताने का कि उस समय ये नारा दिया गया था, ये कहने का काम माननीय मौर्या जी ने करा है जी। दूसरी बात, आपने बोला दलित समाज का, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लिए जो एससी एसटी ओबीसी है, केवल वोट का माध्यम नहीं है, ये चुनाव जीत हार का माध्यम नहीं है। हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लिए पूरे प्रदेश में अगर किसी राजनीतिक दल ने संगोष्ठी करने का, जन जागरण करने का काम करा, वो तो केवल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में केवल समाजवादी पार्टी कर रही है। और ये संगोष्ठी हमारी ब्लॉक स्तर पर जा रही है। हम लोग जाति जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को विवश कर देंगे कि वो जाति जनगणना कराए, हम इसको आंदोलन के स्वरूप में लेने का काम कर रहे हैं। और रही बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है, हमारी जो चुनाव चिन्ह साइकिल, उसके जो दो पहिए हैं, वो दो विचार हैं, और एक विचार लोहिया का विचार है, एक अंबेडकर का विचार है। हम इन दोनों विचारों को लेके आगे बढ़ने का काम कर जी। वही भाजपा से केसी जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, 2017 में आपकी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, वहीं लोकल बॉडीज में इससे पहले के चुनाव में 16 में से तकरीबन 14 पर आपके कैंडिडेट जीते, और वहीं 70 पालिका जो अध्यक्ष है वो सीटें आपके पास गई।
तो क्या लगता है कि इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन आपकी पार्टी करेगी? देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी चुनाव में जाती है तो वो चाहे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, या जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हों उनको लेकर के जनता के बीच में जाती है। साथ ही साथ हम जनता के बीच में हमने जो काम किया है, आपने खुद ही बताया कि 16 में से 14 नगर निगम हमारे पास में रहे, 14 मेयर हमारे पास में रहे, तो ऐसे में अब जबकि बढ़कर के सीटें 17 हो गई हैं, तो ऐसे में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है इन नगर निगमों में, जो काम किया है नगर पंचायतों में, जो काम किया है, और आगे जो कुछ हमें काम करने का मौका मिलेगा, हम आगे क्या क्या काम करेंगे, ये सारी बातें लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे। अब रही बात है विपक्ष की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, मुद्दा भी विपक्ष हो गया है, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बचा है, वो है जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, और ये गाहे बगाहे इसी तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं तो किसी को ये बता देते हैं मुस्लिम है, किसी को बता देते हैं यादव है, किसी को बता देते हैं ब्राह्मण, यानी कि जो जिस जाति का है उस जात को कहते हैं भाई इसके साथ अत्याचार हो गया, और जब वो अत्याचार कर रहा था तब ये उसको प्रेशर दे रहे थे। आप देखिए कि अतीक अहमद के मामले में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने प्रोटेक्ट किया और उनको बचाने का प्रयास किया, वो पुलिस जिस पुलिस से आज अतीक अहमद जैसा खूंखार अपराधी थरथर कांपता है, उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहती है, उसको भी बचाने का प्रयास किया, और फिर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है। आप बताइए कि ऐसी कौन सी योजना भारतीय जनता पार्टी की है, वो चाहे आवास की हो या चिकित्सा की हो, चाहे जनधन योजना हो, किसी भी योजना में क्या अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है? तो हम तो यही सारी बातें लेकर के जाएंगे, जो हमने काम किया जनता के बीच में उस काम को लेकर के जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है मुस्कान जी, तो ये क्या कहते हैं कि आपने इसके साथ अत्याचार कर दिया, आपने इसके साथ अत्याचार कर दिया, आपने इसके साथ अत्याचार कर दिया। केसी जैन जी ये कह रहे हैं कि अब आपके पास कोई मुद्दा तो नहीं बचा है, इसलिए अब आप जो है वो आपकी पार्टी जाति की राजनीति कर रही है, जातिगत जो लोगों को लुभाने के जरिए, जातिगत वोटों के जरिए आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, जिसे ये जाति राजनीति कहते हैं हम इसको सामाजिक न्याय कहते हैं, और हमारी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य, और माननीय अखिलेश यादव जी एक ही सपना देखते हैं पूरे दिन में, अगर उनका ये सोच है कि अंतिम खड़े व्यक्ति को हम लोग कैसे मेन जो स्ट्रीम में ला सके, उसको कैसे सामाजिक न्याय मिल सके, कैसे उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करें, हम लोग केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को लड़ने को के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ अभी भी जो हमारा बनवासी समाज है उसके साथ अभी भी सोशल जस्टिस नहीं हो पाया, हमारे लिए ये लड़ाई है। लेकिन सर, किस तरीके से जस्टिस नहीं हो पाया, अभी भी नौकरियों में आरक्षण है, आरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जो रेगुलर जो जनता है, जो जनरल जनता है, उनको परेशानी हो रही है, तो आप किस तरीके से कह रहे कि वो अभी भी दबे कुचले हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है, ये आरक्षण खाना चाहती है ओबीसी एससी एसटी का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी जो आप ये देखिए जो निकाय चुनाव के आरक्षण का था, ये केवल केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई थी जिससे हमने इनको बाध्य करा, चाहे वो सड़क हो, चाहे सदन हो, चाहे हमारा न्यायालय, हमने लड़ाई लड़ने का काम करा। इसके अलावा बताना चाहता हूँ जिस विषय को आपने उठाया, विश्वविद्यालयों की अगर आप सूची देखेंगी तो इन्होंने एससी एसटी ओबीसी, सुन लीजिए मैडम, एससी एसटी ओबीसी जो समाज है उसकी नौकरियों को खाने का काम भारतीय जनता पार्टी करा है। यही लड़ाई को लड़ना समाजवादी पार्टी का काम है कि जो हमारी जो संविधान की जो व्यवस्था है, जो हमारा संविधान का ढांचा है, उसको खत्म भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसीलिए हमारे नेता संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर। केसी जैन जी जवाब दीजिए, कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उनकी नौकरियों को खाया है। देखिए मुस्कान जी, न्यायपालिका के ऊपर कुछ भी नहीं, और केवल समाजवादी पार्टी एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण व्यवस्था खत्म हो रही है। अगर आरक्षण व्यवस्था खत्म हो रही है तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जो सीट जहां पर जैसे है, और अगर आरक्षण नहीं भी है तब भी आप चुनाव कराइए,
नगर निकाय का, नगर निगम का आप चुनाव कराइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई इस आदेश के विरोध में? अगर ऐसा कुछ था तो हाईकोर्ट ने तो कह दिया था कि बिना आप आरक्षण व्यवस्था के चुनाव करा दीजिए, क्योंकि चुनाव का टाइम भी हो गया, जैसा वैसा करा दीजिए आप, जो जहां पर सीटें हैं उसके अनुपात में वैसे करा दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आए कि नहीं, ट्रिपल लेयर टेस्टिंग भी होगा और जो आरक्षण व्यवस्था है उसका पूरा लाभ जनता को मिलेगा, आरक्षित वर्ग को लाभ मिलेगा, और उसको ला करके आज उसको लागू कर दिया और माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने भी रिपोर्ट रख दी, आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई, वेबसाइट पे भी रिपोर्ट डाल दी गई। तो कहां आरक्षण व्यवस्था को हम खत्म कर रहे हैं? हमको खत्म करना होता तो न्यायालय का जब सहारा मिल गया था तो वैसे चुनाव करा दिया गया होता, लेकिन नहीं, जिसको जो जो जिस प्रतिशत का आरक्षण का लाभ लाभ का हकदार है उसको आरक्षण दिया गया और ये काम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देते थे उसमें भी घोटाला करते थे, जाति और धर्म के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके 500 रुपया महीना देने में भी घोटाला करते थे, आज देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई चिकित्सा व्यवस्था का लाभ ले रहा है तो हमारा अल्पसंख्यक समाज का वर्ग ले रहा है, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड अगर किसी के बने हैं तो इसी अल्पसंख्यक वर्ग के बने, मुसलमान भाइयों के हमारे बने हुए, क्यों? क्योंकि वास्तव में वो दलित से भी पिछड़े की स्थिति में आज भी है, और ये इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो समाजवादी पार्टी की रही, समाजवादी पार्टी केवल उनकी हितैषी बनी रही कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको पंचर की दुकान से, उनको ब्रेड बेचने की दुकान से, उनको दूध बेचने की दुकान से, उनको लेबरगिरी करने से इसके ऊपर नहीं आने दिया, उनको आईएस पीसीएस नहीं बनने दिया, उनको धर्म की आड़ का सहारा लेकर नहीं आपका धर्म खतरे में इस तरीके का डर भय दिखा करके जो कहते हैं समाज की मुख्य धारा में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, इसके लिए उनको तैयार नहीं किया, केवल उनको मदरसों तक सीमित रखा। आज मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, आज कंप्यूटर में बच्चे पढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक हाथ में अगर इनके कुरान है तो दूसरी हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, केवल कुरान से ही तो वो तरक्की नहीं कर ले जाएंगे। और आज आधुनिक शिक्षा दी जा रही है मदरसों में, उस पे भी समाजवादी पार्टी को आपत्ति हुई, कह रहे आप आधुनिक शिक्षा इनको क्यों दे रहे, आप आधुनिक शिक्षा दे करके इनके हकों को मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिससे कि पिछड़े बने रहे, कहीं आगे ना आ जाए, आगे अगर आ जाएंगे मुस्लिम भाई तो इन समाजवादी पार्टी का झंडा कौन उठाएगा, दरी कौन बिछाएगा, खुद तो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठेंगे, लेकिन मुस्लिम और दलित समाज को वैसे के वैसे रखा कि वो दरी बिछाने का काम और पट्टी बिछाने का काम और झंडा उठाने का काम ही करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का मॉडल जो लेकर के आई है और अंत्योदय योजना लेकर के आई है, जो समाज का सबसे निचले तबके पे व्यक्ति बैठा है, जो सबसे पिछड़े तबके पे व्यक्ति बैठा है, वो चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय का हो इससे मतलब नहीं है, जो परेशान है, पीड़ित है और जो सबसे पीछे रह गया है विकास की दौड़ में, सबसे पीछे, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखकर केसी जैन जी की बात से कहां तक सहमत है कि आपने कभी भी पिछले तबकों को आगे आने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि अगर आप आने का मौका देंगे तो फिर केसी जैन जी के हिसाब से फिर आपकी पार्टियों के झंडे कौन उठाएगा, दरिया कौन बिछाएगा? कि पूरा देश और प्रदेश जानता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को कौन लड़ रहा है, कौन उनको जागरूक करने का काम कर रहा है, कौन उनकी संगोष्ठी कराने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है ये खुले खुले से उस व्यवस्था पे, जो मनुवादी व्यवस्था है उस पे काम करने का काम करती है, इनका जो आवरण है वो मनुवादी व्यवस्था है, जबकि समाजवादी पार्टी केवल सामाजिक न्याय में, केवल पिछड़ों के एससी एसटी वनवासी समाज इनकी लड़ाई को धरातल पर उतारने का काम करती है, उनके लिए संघर्ष करती है, उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करती है, हम लोग इस रास्ते पे चलने का काम करते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो इनकी, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि कैसे ये जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं, समाज के जो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, वनवासी समाज है, कैसे हम इनको प्रथम पंक्ति में लाए, इस लड़ाई को हम लोग फोकस करने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी विचार जी, आपने सुना कि किस तरीके से केसी जैन जी और जो भुवन भास्कर जी हैं उन्होंने कहा कि वो पिछड़ों के लिए काम करेंगे,
या किसी की सरकार में पिछड़ों के लिए काम नहीं हुआ, लेकिन आपने सुना कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने ये नहीं कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो जनता का विकास करेंगे, वो जनता के मुद्दों पर काम करेंगे, लेकिन आपने कहा कि आप जनता के बीच जाएंगी। जी देखिए, ये इन दोनों की जो भी हमारे दोनों पैनलिस्ट हैं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता हो या सपा के प्रवक्ता हो, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने तरीके से सरकार चलाई है और अपने तरीके से उन्होंने अपने मतलब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया है जी। और लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता जी को भी जवाब देना चाहूंगी कि इस देश में दलितों को जो ये अपनी तरफ करने के, इस उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ करने के लिए जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इस देश में 80 करोड़ जनता को इन्होंने भुखमरी के कगार पे डाल दिया, उनको इन्होंने फ्री में अनाज बांटे, इन्होंने कहा हमने मुफ्त अनाज खिलाया, तो ये बहुत ही शर्मनाक है इस देश के लिए कि इन्होंने दलितों के साथ साथ जो भी मध्य वर्गीय जो परिवार था, जो अपने कमा कर खाता था, उसे भी बेरोजगार कर दिया, क्योंकि इस देश में ना नौकरियां हैं, ना रोजगार है, और ना ही कोई इस देश में नई जो कंपनियां नई नई योजनाएं आई हैं जिससे कि इस देश की जो मध्य वर्गीय परिवार है, जो लोग हैं और जो निचले तबके के लोग हैं, उनको कुछ सुविधा मिल सके, बल्कि इन्होंने टैक्स बढ़ाकर, टैक्स लाद कर